गाइज वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गाइज आज की जो मेरी वीडियो है वो है बेसिक मेकअप ब्रशेस की है। जी हाँ गाइज, ये ब्रश बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छे हैं। जिन्होंने भी मेकअप अभी स्टार्ट करा है करना, वो इस ब्रशेस को मंगवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रशेस है। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करिएगा, तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइस जिन ब्रशेस के बारे में आपको मैं कह रही हूँ वो है अर्बन डिके के नेकेड ट्री ब्रशेस। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे। ये अराउंड मुझे आए थे 200 समथिंग के मुझे मिल गए थे, इजीली मिल गए थे। काफ़ी अच्छे ब्रशेस हैं, अगर आप अभी अभी मेकअप करना सीखा है, स्टार्ट करा है, तो अभी मेकअप ब्रशेस परचेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं पैकेजिंग की, तो ये इस तरह के एक बॉक्स में आता है। और बात करते हैं ब्रशेस की, तो टोटल आपको ये 12 ब्रशेस इसमें मिलते हैं, इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं। तो मैं एक एक ब्रशेस की आपको डिटेल बताती जाती हूँ कि कौन सा ब्रश किस यूज में आपको आएगा। बात करते हैं पहले ब्रश की, ये ब्रश आप देख सकते हैं, काफ़ी बिग ब्रश है, फ्लफी ब्रश है। इसको आप पाउडर ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। देन सेकंड ब्रश भी फ्लफी ही है, बट ये स्मॉल है, वो जैसे बड़ा था उससे छोटा है ब्रश है। इसको आप ब्लश ब्रश की तरह यूज़ कर सकते हैं, इजीली आपका ब्लश बहुत अच्छे से लगेगा इससे। अब जो हमारा नेक्स्ट ब्रश है वो है ये, देख सकते हैं आप, एक फ्लैट ब्रश है। लाइक इसे आप फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड फाउंडेशन हो उसे आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट है ये। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट ब्रश की, तो ये इस तरीके का ब्रश है, लाइक स्मजर। अगर आपको अपना काजल यहाँ स्मज करना है या कोई भी आई मेकअप आपने क्रिएट करा है और उसको यहाँ पर आपको इस तरह से स्मज करना, तो इजीली स्मज हो सकता है। देन नेक्स्ट ब्रश जो हमारा है वो है ये फ्लैट ब्रश। काफी स्टिफ ब्रश है, बिल्कुल हार्ड यहाँ से कह सकते हो आप, तो इसको भी आप ऐसा स्मजर ही यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आईज के अगर आपको क्लोज करना है यहाँ पर कुछ भी स्मज, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रश है ये भी। देन नेक्स्ट हमारा जो ब्रश है वो है कुछ इस टाइप का ब्रश, जिससे आप अपना कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, जिसे आप एज ए कंसीलर ब्रश कह सकते हैं, कंसीलर के बहुत अच्छा ब्रश है। देन नेक्स्ट ब्रश है ये ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छा ब्रश है, काफ़ी अच्छे से इससे आप अपने आई मेकअप की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ, तभी आपको थोड़ा सा पिंकिश मिंकिश दिख रहा होगा। देन नेक्स्ट जो ब्रश है लाइक ये बहुत स्मॉल, इसको आप लाइनर ब्रश या फिर एज अ लिप लाइनर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे लाइनर ब्रश की तरह यूज़ करा है, देख सकते हैं आप। देन नेक्स्ट जो हमारे ब्रश है वो है ये, देख सकते हैं स्मॉल कॉन्टोर ब्रश है, हल्का सा स्लांट में है ये, तो आपको इससे आप अपनी नोज बहुत अच्छे से कॉन्टोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में जो ब्रश की बात कर रही हूँ, ये भी एक फ्लैट ब्रश ही है, ये भी आप एज ए कंसीलर ब्रश यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपको अपने आईब्रो डिफाइन करनी है तो इस ब्रश को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ब्रश काफ़ी स्मॉल ब्रश है, और एज अ ब्लेंडिंग ब्रश आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी तक इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ, बट एज अ ब्लेंडिंग ब्रश आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रश और आता है इसमें, वो मेरा मिल नहीं रहा है, वो होता है एंगुलर ब्रश, जो कि आपकी आईब्रो को फिल करने में, तो काफ़ी अच्छा ब्रश है, बहुत अच्छे ब्रश है। तो गाइस देखा आपने कितने अच्छे ब्रशेज है, कितने अफोर्डेबल रेंज में कितने आपको इतने सारे ब्रशेज मिल रहे हैं, लाइक 200 में आपको 12 ब्रशेज मिल रहे हैं, तो
बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप चाहते हैं ब्रशेज मेकअप करना, तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करिएगा। ये आपको इजीली ऑनलाइन किसी भी अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।